अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्ची की अभी तबीयत ना ख़राब हो गई थी एकदम ही ना, बस सांस नहीं आ रहा था, तो कहने लगी कि मेरे ना गले में कुछ हो रहा है। तो मैं ना फिर इसे उसी वक्त ना हॉस्पिटल लेके गई हूँ, हमारे पास ही इधर हॉस्पिटल है, उधर लेके गई हूँ। फिर एमरजेंसी में उन्होंने फिर इसे दवाई वगैरह दी, वो भाप वगैरह कहते हैं वो, है ना, स्टीम दी उन्होंने। तो फिर ज़ुबान के नीचे एक गोली रखी, एक टीका लगाया, तो अल्लाह का शुक्र अब ठीक हो गई है। आधा पौना घंटा हम लोग उधर रहे हैं, फिर अल्लाह का शुक्र है घर आ गए। अब बड़ी परेशानी हुई, मैंने कहा बच्ची को पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह ताला ने बच्चे दिए भी तो अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी तंदरुस्ती दे। बस बहुत परेशानी हो गई एकदम ही, बैठी अच्छी तरह बैठी हुई थी, खाना खाया इसने, तो पता नहीं क्या हुआ एकदम ही इसकी तबीयत ख़राब होने लग गई। आप बता दो अब क्या। हाँ जी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे सांस नहीं सही आ रहा था, मम्मा इतना परेशान हो गए, पापा भी, फिर मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, मुझे वहाँ पे स्टीम दी, इंजेक्शन लगाया, और उन्होंने ज़ुबान के नीचे जो है वो दवाई भी रखी, तो अब थोड़ी तबीयत ठीक हो गई है। पता नहीं मौसम की वजह से सांस नहीं सही आ रहा था। उधर एक और मरीज़ भी ऐसा आया, एकदम इसे उल्टी आई ना, उससे तबीयत ठीक हो गई इसकी, तो उधर जो मरीज़ साथ वाला बेड वाला था ना औरत, उसे भी ऐसे ही मसला था। हाँ जी, सांस का मसला था बस, वो भी बेचारी ने कुछ खाना खा के तो उसे भी उल्टी आ रही थी। तो अब आप लोग मेरे लिए दुआ करना। हाँ, सब लोग आप दुआ करें, अल्लाह ताला इसे ज़िंदगी तंदरुस्ती दे, अपने मकसद में ये कामयाब हो जाए, अल्लाह ताला इसकी जो इसका मकसद है इंशाल्लाह पढ़ ही अभी, अल्लाह ताला इसे कामयाब कर दे, हमें भी अल्लाह ताला इसकी खुशियाँ देखनी नसीब करे। अल्लाह ताला सब जो जो औलाद वाले अल्लाह ताला उनको अपनी औलाद की खुशियाँ देखनी नसीब करे, किसी ऐसे सदके ना हमारी औलाद की अल्लाह ताला हमें भी खुशियाँ देखनी नसीब करे। बस बहुत परेशानी हुई, आप दुआ करें मेरे बहन भाई। वो डॉक्टर तो बल्कि कहने लगी थी कि आप देखें आपकी इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरी अपनी तबीयत ख़राब होने लग गई थी उधर, तो वो डॉक्टर कहने लगी आप अपना ख्याल करें, कुछ नहीं हुआ इसे, ये ठीक है। बस उस वक्त उन्होंने वो उंगली पे कुछ लगा कर मतलब वो चेक किया था उन्होंने, कोई मशीन सी जैसे दिल की धड़कन वगैरह, उन्होंने सारा देखा, तो फिर अब ठीक है। तो आप लोगों सर इसीलिए वीडियो शेयर किया, आप लोग दुआ करें मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, अल्लाह हमें सेहत तंदुरुस्ती दे। जी तो व्यूवर, जब मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैंने ना वीडियो रिकॉर्ड की है, वीडियो रिकॉर्ड इसलिए की है कि जब डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया ना, तो मम्मा ना मुझे कह रहे थे कि तुमने इतने आराम से कैसे इंजेक्शन लगवा लिया, मतलब तुमने पूरा हॉस्पिटल क्यों नहीं सर पे उठाया। तो मम्मा ज़रा वो बताएं ना कि वो लास्ट टाइम वाला वाक्य आपको बता चला था, तो उस वक्त गए थे हम डॉक्टर के, तो आपने कितना तंग किया था, वो लगाने नहीं दे रही थी, जब सुई लगाता था ना तो वो चीखे मारने लग जाती थी कंपाउंडर,
तो कितना तंग किया था। दो औरतें कह रही थी कि अब लग गया, नहीं नहीं अभी लगा नहीं है, चीखे की आवाजें आ रही हैं, तो बहुत मसला बना था उस वक्त। तो फिर जब वो लग गया था तो औरतें कहती हाँ अब लग गया, अब चीखों की आवाज़ नहीं आ रही। तो इसीलिए मम्मा ने फिर कहा कि तुमने आज इतने आराम से कैसे लगवा लिया इंजेक्शन। तो भी हम वही बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो साथ वीडियो रिकॉर्ड कर लेते ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मैं इतना इंजेक्शन से डरती हूँ। मैं तो बोलो खुद हैरान हो गई कि कल इसने कैसे आराम से लगवा लिया। आराम से लगवा लिया, वो डॉक्टर आया उसने वो उसको बांधा हाथ पे और वो उसने फिर वेन में लगाया ना। हाँ, तो उसने फिर लगाया, मुझे तब फील नहीं हुआ, लेकिन वैसे जब लास्ट टाइम जब इसमें आया ना उस पर मुझे बहुत फील हो रहा था। तो ये शोर बहुत मचाती है, कल इसने शोर ही नहीं मचाया। कल मैंने शोर नहीं मचाया, इसलिए मेरा मम्मा हैरान। समझदार हो गई। हाँ जी, अपनी समझदार हो गई। तो अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं और शुक्र है मेरी तबीयत ठीक हो गई है। तो हमने अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर किया। वैसे तो मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी, रिकॉर्ड तो होनी नहीं थी वीडियो, तो अब बस ये वापसी पे मैंने ज़रा की है। मैंने कहा चलो हम अपने बहन भाइयों को बता दें जो सी, और ख़ास तौर पर ये जो मेरा मतलब तो हॉस्पिटल वाला था वाकया, ये ज़रा आप लोगों के साथ करना था कि इतना मैं डरती हूँ। वैसे मेडिसिन भी नहीं थी खाती पहले, वो मुझे कूट के दवाई देते होते थे कि इसको फिर तुम पानी के साथ, अब मैं खा लेती हूँ, अब मैं बड़ी हो गई, बेबी हो गई हूँ। डॉक्टर ने मेरा सारा खाना पीना बंद कर दिया था कि कुछ भी नहीं खाना बाहर से, मैं कोई मिर्च मसाले वाली चीज़ भी खा रही। बंदा पूछे ऐसे कोई करना अच्छी बात है, अब मैं कुछ भी नहीं खा सकती, कुछ ऑर्डर भी नहीं कर सकती। अब मम्मा मुझे खिचड़ी बना कर देंगे, अब खिचड़ी बनवा के खाऊंगी मम्मा से, मुझे पसंद नहीं है पर खानी पड़ेगी, मजबूरी है ना। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़ कह देते हैं। ठीक है, आप सब हम लोग हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।